गाइस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे बिड़ू मैं हूँ मैं। अरे तू जा रही? नहीं नहीं बिड़ू मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये वाली वीडियो हम सभी लोगों के लिए काफी जरा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्या हुई? अरे बिड़ू क्या हुई नहीं, क्या होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट बताने वाला हूँ जो कि हमारे इसी वाले अपडेट के अंदर में देखने को मिलेगी। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कमाल की अपडेट भी दिखाने वाला हूँ जो कि इन फ्यूचर के अंदर हमारी गेम के अंदर में देखने को मिलेगी। एंड लिटरली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सारी सारी अपडेट बताने वाला हूँ काफी जरा मस्त होने वाली है। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला जो हमारी IBD3D गेम की अपडेट है उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ या फिर नहीं, और हमारे IBD3D गेम की अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगी, और हमारे इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम की अपडेट भी हमें कब तक देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को छोटी सी लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके ओके तो गाइस अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ जो हमारी गेम के अंदर इस बार न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर हमें कौन सी न्यू चीजें देखने को मिलेगी और उसके अंदर हमें किस तरह की अपडेट देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी मैं आपको कुछ अपडेट बताने वाला हूँ जो कि हमारे आने वाली इसी अपडेट के अंदर में देखने को मिलेगी, और उसके बाद मैं आपको कुछ कंफर्म अपडेट भी बताऊंगा। तो गाइस हमारी नंबर 1 पर अपडेट होने वाली वो हमारी गेम के अंदर न्यू बोलेरो कार के अपडेट के बारे में होने वाली है। गाइस में जो हमारी गेम के अंदर इस बार न्यू अपडेट आने वाली है उसके अंदर हमें शायद से बोलेरो कार देखने को मिलेगी। और गाइस आप में से कई सारे मुझे काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि हमारी गेम के अंदर बोलेरो कार एड क्यों नहीं हो रही। तो गाइस रोहित सर ने ये कहा कि बोलेरो कार का जो 3D मॉडल है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारी गेम के अंदर बोलेरो कार को एड नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो बोलेरो कैंपर है उसका 3D मॉडल अवेलेबल है, और अगर रोहित सर को बोलेरो कैंपर अच्छा लगेगा तो हमारी इस वाली अपडेट के अंदर में बोलेरो कैंपर देखने को मिलेगी। और गाइस इसके बाद जो दूसरी चीज होने वाली वो फ्लाइंग बाइक होने वाली है। गाइस आपने कई सालों मुझे काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि जो हमारी गेम के अंदर इस बार अपडेट आएगी उसके अंदर हमें फ्लाइंग बाइक देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो गाइस जो फ्लाइंग बाइक है उसकी डिमांड तो आप लोग काफी टाइम से बढ़ा रहे हो, लेकिन रोहित सर का कहना कि हमारे IBD3D गेम के अंदर साइज से फ्लाइंग बाइक देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपको ये बता कि हमारे गेम के अंदर में कई सारी न्यू बाइक देखने को मिलती है। तो रोहित सर का कहना ये कि हमारे गेम के अंदर कोई फ्लाइंग बाइक को ऐड ना किया जाए, लेकिन अगर आप सभी लोग फ्लाइंग बाइक के ऊपर काफी जरा डिमांड रखते हो तो शायद से इन फ्यूचर के अंदर हमारे गेम के अंदर में फ्लाइंग बाइक देखने को मिलेगी। एंड गाइस इसके बाद जो अपडेट होने वाली वो तो काफी जरा मस्त होने वाली है। गाइस आप सभी लोग को बता कि जो हमारा IBD3D गेम है वो एक ऑफलाइन गेम है, और इस गेम के अंदर में कोई भी मल्टीप्लेयर मोड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने रोहित सर से जब ये बात करी कि हमारे IBD3D गेम को ऑनलाइन कब बनाया जाएगा, तो रोहित सर ने मैं ये कहा कि इन फ्यूचर के अंदर हमारे IBD3D गेम के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिलेगा, साथ साथ हमारी IBD3D गेम एक ऑनलाइन गेम भी बन जाएगी। एंड गाइस लिटरली जब हमारे IBD3D गेम ऑनलाइन गेम बनेगी तो हम सभी लोगों को साथ में गेम खेलने में काफी जरा मजा आएगा। एंड आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप सभी लोग हमारे IBD3D गेम के अंदर कब तक मल्टीप्लेयर मोड को देखना चाहते हो, लेकिन मैं आपको जो मल्टीप्लेयर मोड आने वाला है साथ साथ जो हमारी गेम ऑनलाइन गेम बनने वाली है वो हमें इस अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उस चीज को आने में काफी जरा टाइम लगने वाला है। लेकिन जैसे हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड ऐड होगा तो हम सभी लोगों को गेम खेलने में काफी जरा मजा आने वाला है। एंड गाइस मैं जो हमारी IBD3D गेम है वो इन फ्यूचर के अंदर मस्त गेम बनने वाली है, और उसके अंदर हमें मल्टीप्लेयर मोड और ऑनलाइन सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड गाइस मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं जो हमारी IBD3D गेम है उसके अंदर जो इस बार न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में कौन सी चीजें कंफर्म देखने को मिलेगी। तो गाइस जो इस बार अपडेट आने वाली उसके अंदर हमें न्यू सुपरा कार देखने को मिलेगी, साथ साथ हमारी गेम के अंदर हमें न्यू हाउस देखने को मिलेगा, और इसके अलावा हमारी गेम के अंदर हमें न्यू ज़ॉम्बी मोड देखने को मिलेगा। और रोहित सर ने अभी तो बस इन 3 चीजों को ही कंफर्म किया है, इसके अलावा अभी तक रोहित सर ने कोई और चीज के बारे में हमें नहीं बताया है। लेकिन मैं जो हमारी गेम के अंदर इस बार न्यू अपडेट आने वाली है उसके अंदर हमें शायद से 2 कार देखने को मिलेगी, एंड इसके अलावा हमारी गेम के अंदर हमें न्यू बाइक भी देखने को मिल सकती है। एंड हमें कई सालक मुझे कमेंट करे कि हमारी जो इस बार अपडेट आएगी उसके अंदर हमें न्यू रॉकी बाइक देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो गाइस हमने रोहित सर से रॉकी बाइक के बारे में काफी टाइम से बात करी है, लेकिन रोहित सर का कहना यह है कि जो रॉकी बाइक है उसका अच्छा सा 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, और जब उनको अच्छा सा 3D मॉडल मिलेगा तो हमारी गेम के अंदर न्यू रॉकी बाइक को ऐड किया जाएगा। एंड गाइस जो इस बार अपडेट आने वाली और उसके अंदर जो न्यू हाउस आने वाला है वो लिटरली काफी बड़ा हाउस होने वाला है। जो गाइस रोहित सर ने हमें ये बताया कि जो हमारी गेम के अंदर न्यू हाउस आने वाला है और उसका जो 3D मॉडल और डिजाइन होने वाली वो खुद ही डिजाइन करने वाला है। तो गाइस लिटरली जो हमारी गेम के अंदर न्यू हाउस आने वाला है वो काफी जरा मस्त होने वाला है। एंड गाइस हमारी गेम के अंदर जो ज़ॉम्बी मोड आने वाला है वो हमें अलग से ही एक मोड देखने को मिलेगा। एंड साथ से जो ज़ॉम्बी मोड आएगा उसके अंदर हम सभी लोग ज़ॉम्बी को चीट कोड वगैरह से स्पॉन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ज़ॉम्बी मोड आने वाला है वो तो काफी जरा मस्त होने वाला है। एंड मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जो हमारी गेम के अंदर ज़ॉम्बी मोड आएगा वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी के टाइम पर हमारी गेम के अंदर में जैसे जुरासिक पार्क देखने को मिलता है बिल्कुल उसी तरह से हमारी गेम के अंदर में ज़ॉम्बी मोड देखने को मिलेगा, यानी कि हमें सिंपली चैलेंज मोड पर जाना होगा और वहीं पर हमें एक ज़ॉम्बी मोड देखने को मिलेगा, और जैसे हम ज़ॉम्बी मोड पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे ही ज़ॉम्बी मोड के अंदर आ जाएंगे, और फिर वहां पर जाकर हम ज़ॉम्बी को किल वगैरह कर पाएंगे। एंड गाइस लिटरली जब ये सारी अपडेट हमारी गेम के अंदर आएगी तो हम सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जो हमारी IBD3D गेम है उसके अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस
जो हमारी आईपीड 3D गेम है उसके अपडेट के ऊपर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन शायद से दो दिन बाद हमारे आईपीड 3D गेम के अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट होने वाला है। एंड जैसे अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट होगा तो मस्त मस्त वीडियो भी आने वाली है। तो आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस मैं आपको जल्दी से बता दूं जो हमारे आईपीड 3D गेम है उसकी अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो गाइस जो हमारे आईपीड 3D गेम की अपडेट है उसे आने में थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो दिवाली होने वाली है उससे दिन हमारे गेम के अंदर में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। एंड हमारी गेम के अंदर में दिवाली स्पेशल चीजें भी देखने को मिलेगी। एंड गाइस मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक कहा था कि अगर आप लोग हमारी गेम के अंदर दिवाली स्पेशल के अंदर फायर क्रैकर्स को ऐड करवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना। एंड गाइस लिटरली आप सभी लोगों ने काफी सारी कमेंट करी थी। एंड अगर लिटरली हमारी गेम के अंदर फायर क्रैकर्स आएंगे तो हम लोगों को गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस हम इसके बारे में रोहित सर से बात करेंगे एंड अगर उनको ये वाला आइडिया अच्छा लगेगा तो हमारी गेम के अंदर उस चीज को ऐड भी किया जाएगा। बाकी तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही अपडेट के बारे में बताने वाला था और आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी तो गाइस आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तो मैं मिलता हूं ऐसे कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।